नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। लखनऊ से औरैया जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद बढ़ते सफाई में मैनपुरी के थाना बोरवां क्षेत्र में जीटी रोड चौराहे पर जाम लगा, लगभग एक घंटा तक जाम लगा रहा और सफाई उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे और योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे। सूचना पाकर इंस्पेक्टर गोगांव शशिकांत शर्मा ने मौके पर पहुंचकर सफाइयों को समझाया बुझाया, उसके बाद तब कहीं जाकर जाम खुल सका। सीएम अखिलेश यादव की गिरफ्तारी से आक्रोशित सफाइयों ने गोगांव चौराहा पर हाईवे को जाम किया। 40 मिनट तक जाम से रहा आवागमन ठप। प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ थाना आयाना जनपद औरैया जाते वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सरकार ने मैनपुरी के किशनी से विधायक इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया को अखिलेश यादव के साथ गिरफ्तार कराया। साथ में मैनपुरी सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार यादव, युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष मातादीन यादव, लोहिया वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव एटम, ब्रह्मानंद यादव, अखिलेश पाल को भी पुलिस ने साथ में गिरफ्तार किया। एमएलसी अरविंद प्रताप यादव व इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक अंशुल यादव को आज आयाना थाने में पूर्व सांसद प्रदीप यादव से मिलने जाते समय इरावा कटरा पुलिस ने रोका। दोनों नेताओं ने बेला थाने से आगे जाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। भोगांव में रावल सिंह यादव, मनोज यादव, ओम शरण यादव, नीतू यादव, अजीत यादव, तौसीफ खान सहित दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड को किया जाम। इंस्पेक्टर भोगांव ने सफाइयों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। रावल, ये जाम वाम क्यों लग रहा है, क्या मामला है? ये जाम इसलिए लगाया गया औरैया में जिला पंचायत का जो चुनाव था, पहले तो समाजवादी प्रत्याशी जो था उसे रोका गया। आज ये चक्का जाम किस मामले को लेकर हो रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो गिरफ्तार किया गया है, इसके पक्ष में हम सब लोग चक्का जाम किए। जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। योगी सरकार नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। आज ये जो चक्का जाम हो रहा है, किस मामले को लेकर हो, क्या मामला है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी औरैया जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जाने से रोका गया। योगी सरकार डमरू सरकार है, अत्याचारी सरकार है, बेईमानों की सरकार है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरक्षित नहीं है, पार्टी का नेतृत्व सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग नीचे कैसे सुरक्षित होंगे? इसके विरोध में हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। सीआईबी इंडिया न्यूज मैनपुरी से गुलजार अहमद की रिपोर्ट।